हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी अगर क्लास 6 से लेकर 10th तक आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के शुरुआत में दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें प्लीज़। कॉल ना करें, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सअप पे आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको सामने से कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज अपन प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए, और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो, एक राहत कोष था, उसमें से 2401 रुपये सबने 2401 रुपये कुल दान आया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, अपन को विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। अपन को एक जो लाइन दी हुई है उसमें से अपन को एक समीकरण बनाना है। ठीक है, अपन छोटी क्लास में सीखते भी हैं। उसने क्या बोला है कि एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने की क्लास में जने थे। मैं अज्यूम करता हूँ, जैसे मैंने माना कि क्लास में जैसे 20 जने थे। ठीक है, जैसे अब आप ऑनलाइन जैसे 20 जने देख रहे हो। ठीक है, तो एक जने ने सोचा, जैसे एक जना जैसे मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ वीडियो को, तो मैंने सोचा कि क्लास में 20 जने हैं तो मैं 20 रुपये दे देता हूँ। ठीक है, तो वो अगर 20 दे रहा है तो सब 20 20 दे रहे हैं, सब यही सोच रहे हैं, तो कुल रुपए कितने हो गए, 400 हो गए। 20 गुणा 20 400। ठीक है, जो 400 रुपये आए अभी, तो देखो रात को उसमें कितने 2401 है ना, तो रुपये कितने हैं अभी, जो अपने अलग से क्वेश्चन है उसमें क्या आ रहा है, 400 रुपये। ठीक है, अब मुझे पूछ रहे हैं कि कुल 400 रुपये हैं, बताओ कि कितने क्लास में बच्चे हैं, तो 20 अपन को यहाँ दिख रहा है, तो 400 है क्या, 20 का ही वर्ग है, 20 गुणा 20 ही हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा, 2401 जो रुपये आए हैं तो किसी समान संख्या का गुणा हो रहा होगा, तभी 2401 आया ना, यानी 2401 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मुझे इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो अपन को पता तो पड़ गया वर्गमूल निकालना भी आता है, पर अपन को ये जो क्वेश्चन है ये एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो इसको अपन को विधिवत करना होगा। तो इसकी विधि क्या होगी, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी विधि। इसकी विधि लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनको मानना है कि विद्यार्थियों की संख्या पता नहीं है ना, तो मैंने आपको बताया है कि अगर जिस संख्या पूछे तो उसी को अपन मान लेते हैं। तो मानना कक्षा 8 के, माना कि माना कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब तब विद्यार्थी विद्यार्थी द्वारा दिया गया धन। ने क्या बोला है कि जब कक्षा में विद्यार्थी संख्या कितनी एक्स है, तो एक विद्यार्थी कितना धन दे रहा है, जितने की क्लास में बच्चे हैं। ठीक है ना, तो वो एक्स रुपये दे रहा है। ठीक है, ठीक है, और एक्स से कितने है? बच्चे हैं। ठीक है ना, बने क्लास में कितने बच्चे, माना एक्स माना। ठीक है, तो एक बच्चा क्या कर रहा है, जितने बच्चे हैं उतने ही क्या कर रहा है, वो पैसे दे रहा है। ठीक है ना, तो वो एक्स रुपये दे रहा है और एक्स ही क्या है, बच्चे हैं, तो कितना धन दे रहा है, वो एक्स गुणा एक्स दे रहा है। ठीक है, तो बस आगे लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार अपने समीकरण बना लिया है। प्रश्नानुसार समीकरण बनाने अपन को इसे एक्स का मान निकालना है। तो एक्स गुणा एक्स क्या होता है, एक्स की घात 2। ऐसा क्यों होता है, गुणा में क्या होता है, जैसे अपन किसी भी संख्या की घात 1 मान सकते हैं, तो इसकी घात 1 इसकी घात 1। ठीक है, यहाँ पे आधार समान है, घातों का आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती है। ठीक है ना, एक्स गुणा एक्स क्या होता है, एक्स की घात 2। ठीक है, तो एक्स की घात 2 बराबर होगा कितने रुपये, टोटल 2401 रुपये हैं, टोटल 73 रुपये आए। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 73 रुपये दिए, एक्स स्क्वायर कुल कितने हुए, 2401। तो मुझे निकालना है कि एक विद्यार्थी ने कितने दिए, तो अपन को एक्स का मान चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि किसी संख्या की घात 2 अगर सामने अपन प्रश्नांतरण करते हैं, स्थापन करते हैं, तो किसी संख्या की घात 2 वहां जाके हो जाती है वर्ग मूल में। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह आएगा, 2401 आ गया। ठीक है,
किसी की घात दो को अगर आप दूसरे पक्ष में भेजोगे तो आप लिख देंगे घात दो का RHS में स्थानापन करने पर लिख देंगे लाइन, ठीक है। फिर x बराबर 2401 का वर्गमूल निकालना है अपन को, वर्गमूल निकालने आता है अपन को, अपन क्या करते हैं भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो सबसे छोटी अपन संख्या दो, भाग जा नहीं रहा है, तीन का चेक करते हैं तीन का भी नहीं जा रहा है, पाँच का देखे पाँच का नहीं जाएगा, सात का देख करते हैं, ठीक है। सात से 21 आएगा इधर, तो 21 सात चौक 28 देखो सात 21 आ गया, सात 21 आ गया 3 4 3, अभी भी तीन का भाग जा रहा है, अभी भी सात का भाग जा रहा है, क्या आएगा सात चौक 28, सात चौक 28 और सात नौ 63, 9 आ गया, अभी जा रहा है सात सात 50 होता है, सात का भाग सात बार चला गया। तो इसके बाद गुणनखंड क्या है, 7 × 7 × 7 × 7, मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो जोड़े में एक संख्या बार आती है तो एक्स का मान आएगा, देखो सात में से ही जोड़ा बार आएगा सात, उसमें से एक सात बार आएगा, तो इसका वर्गमूल कितना निकला, 7 × 7 = 49। तो क्लास में कितने बच्चे थे, विद्यार्थी कुल कितने थे, 49, ठीक है। प्रश्न हो गया, चलो इसका नेक्स्ट 8 करते हैं। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं है, तो अपन लैंग्वेज पहले समझते हैं और फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात की, जैसे कि क्या कह रहा है, देखो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियां हैं, ठीक है। जैसे पंक्तियां मैंने मानी कि जैसे तीन पंक्तियां हैं, ठीक है ना, तीन पंक्तियों में कितने पौधे हैं, 1 2 3, तीन तीन पौधे से आ रहे हैं, ठीक है ना, तीन पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तीन ही पंक्तियां हैं, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8th क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक बाग में तीन पंक्तियां हैं, ठीक है, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितने पंक्तियों की संख्या हो, यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, तीन, तो पौधे भी कितने होने चाहिए, तीन, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या ज्ञात की, क्या कह रहा है, देखो इस प्रकार है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, तो यहाँ पे तीन पंक्तियां हैं तो तीन तीन ऐसे चल रहा है, तो कुल पौधे कितने हो गए, 9 हो गए ना। ये 9 कैसे आया, 3 × 3 करने पर 9 आ रहा है, कुल देखो पौधे कितने हो गए, 3 × 3 ऐसे हो रहा है ना, तो तीन ही पंक्तियां हैं और प्रत्येक पे कितने आ रहे, 3, तो कुल 9 पौधे निकल गए। तो अब यहाँ कुल कितने कह रहा है, 225 है, यानी देखो ये व्यवस्था क्या होती है, समान संख्या गुणा होता है, यानी ये एक पूर्णवर्ग संख्या मिलती है, 2025 भी एक पूर्णवर्ग संख्या होगी, तो मुझे पंक्ति निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। बस सिंपल, अपन इसका समझ तो गए हैं, इसकी पूरी विधि समझ गए हैं, बस इसको अपन को लिखना है, इसको भाषा के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बस अपन को समीकरण बनाना है इसका और सॉल्व करना है। तो जिसका अपन पूछते हैं उसी को अपन क्या करते हैं, मानते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, माना कि प्रत्येक प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है, ठीक है, तब तब पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, पंक्ति की संख्या भी क्या होगी, x होगी, पंक्ति की संख्या भी x होगी। प्रश्न अनुसार समीकरण बनाते हैं, x × x = 2025, x × x क्या होता है, x का 2 होता है, 2025। अगर किसी को ये नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। अब देखो किसी घात दो को अगर मुझे मान तो x का निकालना है, दो घात अटक रहा है ना, दो घात को दूसरे पक्ष में भेजोगे
वचन दे देगा वर्ग मूल का। घात तीन को अगर भेजते हैं तो वो घनमूल होता है, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए अपन को। तो 2025 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना सबको आता है अपन को। अब अजय गुणनखंड निकालते हैं, 2025 है, 5 का भाग देंगे, ठीक है। 5 से पहले अपन एक और अभाज्य संख्या क्या होती है, 3, उसको भी चेक कर लेते हैं। उसकी भाजता का नियम क्या होता है, 5 + 2 = 7, 2, अब 3 का भाग जा रहा है ना, तो देते हैं 18, 2 + 2 = 2, 22, 7 + 3 = 21, 5 + 3 = 15। वापस चेक करते हैं, ये क्या होता है, 12, 12 + 6 = 18, अभी भी 3 का भाग जा रहा है, 2 + 6 = 5, 5 + 3 = 15। अब देखिए फिर चेक, अभी भी जा रहा है, 7 + 3 = 21, 75, अभी भी जा रहा है, कितनी बार जाएगी, 25 बार, अब नहीं जा रहा है, 5 बार जाएगा, 25 का एक बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 3 × 3, आगे इसको बता देते, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5, तो जोड़े से बाहर निकाल लेते संख्या, तो x बराबर क्या आएगा, 3 × 3 × 5, यानी 15 × 3 = 45। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, x है, तो पंक्ति की संख्या भी कितनी है, 45 है, और 45 × 45 क्या होता है, 25 कुल पौधे आ गए अपन के पास। तो लास्ट में अपन लिख लेंगे, लास्ट में लाइन लिख लेंगे अपन, मैं लिख लेता हूँ, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पैतालीस होगी। अगर आज की वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो मैंने अपना नंबर वीडियो के शुरू में दे रखा है, आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो फिर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं।